जी, मेरा नाम सोनू यादव है, पिताजी का नाम शिमगढ़ सिंह यादव है। मैं कल अपने ससुराल जा रहा था, रास्ते में तो वहाँ पे राम प्रताप विधायक जी की पत्नी थी, तो मैंने उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा मतलब मेरी गाड़ी कैसे निकलेगी, तो फिर जगह नहीं थी तो मैंने गाड़ी रोक ली। तो उसके बाद में विधायक जी निकल के आ रही थी वहाँ से, घर में से, तो मैंने कहा, मैंने विधायक जी आप ये बताइए कि मतलब आज 4-5 सालों में तो आज तक आप आए नहीं हैं, यहाँ पे इतने सारे कांड हो गए, एक बच्चा मुसलमानों द्वारा मार दिया गया, तब तुम कभी नहीं आए, मैंने गांव जनता के बीच में तुम यहाँ से विधायक हो, तुम्हें आना चाहिए, राम प्रताप जी को आना चाहिए, विधायक जी को, लेकिन आज तक तुम में से कोई नहीं आया, आज क्या लेने तुम आए। तो मुझसे बोले कि वोट लेने आए हैं और तू वोट देगा। मैंने हम वोट तुम्हें क्यों देंगे कि तू देगा, और 10 मिनट के अंदर अभी मैं तेरी धजियां उड़वाती हूँ, रुक जा तू। और उसके साथ जो लड़के थे उन्होंने मुझे मारा भी था, और मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। मैं वहां से निकल आया, मेरा घर पूरा खाली हो गया, मेरे भाई को पकड़ लिया, पूरी रात मेरे भाई को मारा उन्होंने। मैं अपनी क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि मुझे बचाओ, तमाम धाराएं लगा दी मेरे ऊपर, मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, पूरी रात हो गई मुझे इधर उधर डोलते हुए, इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास कि मैं एक दिन का वक्त गुजार सकूं। सभी मेरे मित्रों, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी छोटी बेटी है, मेरी एक ये बेटी है, हम दोनों बहुत परेशान हैं, पूरी रात हो गई है, मैं मेरे भाई को लेगी रात, पुलिस उसको पूरी रात मारा है, मुझे ढूंढते फिर रहे हैं। और विधायक जी वो कह रही थी कि तुझे तेरा इनकाउंटर करवाऊंगी, तुझे मैं मरवाऊंगी, मेरी कोई गलती नहीं है, पेपर में निकाला है इन्होंने, बहुत सब गलत बात है मेरे, देखो आपको यकीन नहीं होगा, मेरा अभी तक खून बंद नहीं है रात से, देखो यहाँ पे भी मारा है मुझे, और यहाँ पे मेरे अंदर भी लगी हुई है, यहाँ तो अलग है, यहाँ सिर में और छोटे में देखो ये लगी हुई है। मैंने बस एक सच बात बोली है, उसी के पीछे मुझे इन्होंने मारा है। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लो, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई भी कसूर नहीं है, मैं हार